हेलो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट थियरी हम लोग डिस्कशन करेंगे मेमोरी ग्लैंड। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है वो ऑल फीमेल मैमल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है। द मेमोरी ग्लैंड आर पैर स्ट्रक्चर ब्रेस्ट दैट कंटेन ग्रैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। The ग्रैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स एंड दिस मेमोरी लोब्स कंटेन क्लस्टर्स ऑफ सेल कॉल्ड एल्वियोलाई। ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं ये मेमोरी लोब है, तो ईच ब्रेस्ट कंटेन कितने मेमोरी लोब्स होंगे, 15 to 20 मेमोरी लोब। एंड मेमोरी लोब्स कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल एल्वियोलाई। द सेल ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर इन द कैविटी ऑफ एल्वियोलाई। तो यहाँ पे ये जो मेमोरी लोब्स है उसमें बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वियोलाई। बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। एंड ये एल्वियोलाई जो है वो मिल्क सीक्रेट करती है एंड यहाँ पे जो ल्यूमेन है उसमें स्टोरेज करती है। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्स एंड द ट्यूब्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। यहाँ पे ये जो एल्वियोलाई है एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब। मेमोरी ट्यूब में ओपन होती है ये मेमोरी ट्यूब। मेमोरी डक्ट में ओपन होती है, मेमोरी डक्ट एम्प्यूला में ओपन होती है एंड एम्प्यूला जो है वो लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होती है। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ईच ब्रेस्ट कंटेन 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं ऐसे। एंड मेमोरी लोब्स में क्या होगा, तो एल्वियोलाई, एंड एल्वियोलाई जो है वो मिल्क सीक्रेट करेगा एंड यहाँ पे जो ल्यूमेन है उसमें स्टोरेज होगा। उसके बाद ये जो एल्वियोलाई है जो वो मेमोरी डक्ट में ओपन होगा, मेमोरी ट्यूब में ओपन होगी एंड मेमोरी ट्यूब मेमोरी डक्ट में। दिस मेमोरी डक्ट जॉइंट टू एम्प्यूला, एम्प्यूला जॉइंट टू लैक्टिफेरस डक्ट एंड सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइंट टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक आउट। तो ऐसे ये ब्रेस्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है जो हम लोग टेक्स्ट बुक के डायग्राम में भी देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये निपल पार्ट है एंड मेमोरी लोब्स है, मेमोरी लोब्स एंड ये एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट ओपन इनटू एम्प्यूला, एम्प्यूला ओपन इनटू लैक्टिफेरस डक्ट। उसके बाद ये निपल है एंड ये सभी फैट लेयर है। तो यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड थियरी जो है वो कंप्लीट हुई। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है, तो उसमें गैमेट जो है वो फॉर्म होंगे। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इज द मेल्स एंड द ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या होगा, तो टेस्टिस जो है वो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है एंड ओवरीज जो है वो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो ये दोनों सेक्स ऑर्गन जो है वो टेस्टिस एंड ओवरीज वो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल स्पर्म एंड ओवम, टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं एंड ओवरीज जो है वो ओवम प्रोड्यूस करती है रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमैच्योर मेल जर्म सेल लाइक स्पर्मेटोगोनिया, टेस्टिस में इमैच्योर जर्म सेल जो होते हैं दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट begins at puberty. The spermatogonia, since spermatogonia present on the inside wall of seminiferous tubules and multiply by mitotic division and increase in number. तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं ये seminiferous tubules है and यहाँ पे ये epithelial layer है, उसमें से spermatogonium produce होते हैं। उसके बाद ये स्पर्मेटोगोनियम जो है उसका माइटोटिकली डिवीजन होगा एंड इंक्रीज इन नंबर। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लोइड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। ये सभी जो स्पर्मेटोगोनियम है
उसमें क्रोमोसोम्स कितने होंगे, तो 46 होंगे, एंड ये डिप्लोइड होंगे, ट्वाइस एन होंगे। सम ऑफ दिस स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन लाइक रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लोइड सेल इज कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिप्लोइड है 46 नंबर क्रोमोसोम में, उसके बाद उसका मियोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। एंड ये कौन सा डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन, फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, एंड अनइक्वल इक्वल साइज के सभी हैप्लोइड सेल फॉर्म होंगे विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच। तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए, डिवाइड हो गए, तो ये उसके प्लस क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, लाइक 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस फोर इक्वल हैप्लोइड स्पर्मेटाइट्स। यहाँ पे क्या होगा, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है उसका फिर से सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, एंड एंड में जो मिलेगा सो दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया है, उसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएगा, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएगा, उसके बाद स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। द स्पर्मेटाइट्स आर ट्रांसफॉर्म इंटू स्पर्मेटोजुआ लाइक स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। यहाँ पे ये स्पर्मेटिड्स जो है वो सर्कुलर है, उसके बाद वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेड इन द सर्टोली सेल एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आर द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मेटाइट्स के बाद ये स्पर्म में कन्वर्ट हो गए, उसके पास हेड, टेल, मिडल पार्ट ये सब आ गए, उसके बाद ये सर्टोली सेल में एम्बेड होगी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये सर्टोली सेल है, तो स्पर्म जो है वो सर्टोली सेल में एम्बेड होगी, मींस उसके उसमें से वो न्यूट्रिशन लेगा। ये सर्टोली सेल जो है उसका फंक्शन क्या है, तो ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसके बाद ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से मूव हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गैनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स लाइक GnRH, एंड दिस इफ यू रिसेल इज अ हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। यहाँ पे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमिक पार्ट है उसमें से वो स्टिम्यूलेट होके कौन सा हॉर्मोन सिक्रेट करेगा, गोनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, and the increased level of GnRH then act at the anterior pituitary gland and stimulate secretion of two gonadotropin hormones like luteinizing hormones LH and the follicle stimulating hormones like FSH। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो GnRH हॉर्मोन सिक्रेट करेगा, गोनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, उसके बाद ये GnRH जो लेवल है वो हाई हो जाएगा। ये लेवल हाई हो जाने से एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उसके उस वो स्टिम्युलेट हो जाएगी, एंड ये जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे स्टिम्युलेट हो जाएगी वो टू टाइप्स के हॉर्मोन्स सिक्रेट करेंगे, गोनेडोट्रॉपिक हॉर्मोन्स लाइक LH मीन्स ल्यूटेनाइजिंग हॉर्मोन्स, एंड FSH लाइक फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स। LH एक्ट एट द लीडिंग सेल एंड स्टिम्युलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। यहाँ पे LH जो है ल्यूटेनाइजिंग हॉर्मोन्स, उसका फंक्शन क्या है, तो वो लेडिंग सेल जो है उसको स्टिम्युलेट करेंगे, एंड सिंथेसिस ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, एंड दूसरा फंक्शन क्या है, तो एंड्रोजन एंड्रोजन सिक्रेशन करेगा, एंड्रोजन इन टर्न स्टिम्युलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन का फंक्शन क्या होगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए उसको स्टिम्युलेट करेगा। FSH act on the Sertoli cell and stimulates
secretion of some factor which help in the process of spermiogenesis. तो यहाँ पे FSH जो है वो सैटेलाइट सेल को स्टिम्युलेट करेगा and secretion of some factor which help in the process of spermatogenesis. तो यहाँ पे ये हार्मोनल फंक्शन हो गया. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस. लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म. इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, अ मिडल पीस एंड अ टेल. तो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में, तो स्पर्म जो है उसका हेड पार्ट है, नेक पार्ट है, मिडल पार्ट है एंड टेल पार्ट है. अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म. The sperm head contain a elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure like acrosome. ये पूरा cytoplasm से cover हुआ है. उसका head part जो है वो bag-like structure, cap-like structure से cover हुआ है. So this part is called acrosome. Acrosome. यहाँ पे ये plasma membrane से and middle में nucleus होगा, dense nucleus होगा. The acrosome is filled with enzyme that help fertilization of the ovule. यहाँ पे acrosome में ऐसे कुछ enzyme होंगे जो ovum को fertile करेंगी. And this enzyme is called hyaluronidase enzyme. ये याद रखना students, hyaluronidase enzyme जो है वो acrosome में present होंगे जो ovum को fertile करने के लिए help करेगा. The middle piece possess numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization. Middle part जो है उसमें numerous mitochondria है, बहुत सारे mitochondria है and वो circular arrange हुए है and उसका function क्या है, तो energy source of swimming and movement के लिए useful होगा क्योंकि sperm जो है वो mitochondrial energy through ही ओवम तक मूव कर सकता है. द ह्यूमन मेल इजेक्यूलेट्स अबाउट 200 टू 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वार्टर्स ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो वाइगरस मोर्टिलिटी. मीन्स ह्यूमन जो है वो इजेक्यूलेटेड प्रोसेस होती है ड्यूरिंग 300 मिलियन स्पर्म जो है वो रिलीज करते हैं, उसमें से 60% स्पर्म जो है वो 40% जो है वो वाइगरस मोटिलिटी उसमें प्रेजेंट होती है एंड 60% जो होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं. स्पर्म रिलीज फ्रॉम दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय दी एसेसरी डक्ट, सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर essential for maturation and motility for of sperm. Sperm release हो गई, उसके बाद seminiferous tubules में से वो transfer होके accessory duct में जाएंगे and वहाँ से epididymis, then vas deferens, then seminal vesicle, prostate are essential for maturation and the motility of sperm. The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. Sperm के साथ जो सेमिनल प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं तो वो सभी कंपोस्ट होके जो बनता है सो दैट इज कॉल्ड सीमेन. द फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी डग एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स लाइक एंड्रोजन. तो यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन के एसेसरी डक्ट जो है एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय, किससे मेंटेन होगा, तो टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स लाइक एंड्रोजन. तो यहाँ पे ये गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट हुआ. तो उसका चार्ट थ्रू हम लोग थियरी फी से एक बार देख लेते हैं. स्टूडेंट ये चार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, अगर एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस थियरी एग्जाम में आएगी तो आप लोगों को विथ चार्ट ड्रॉ करना होगा. अगर चार्ट ड्रॉ नहीं किया होगा तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी स्टेज में स्पर्मेटोगोनिया है, उसके बाद ये माइटोटिक डिवीजन एंड डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस होगी. इनिशियल स्टेज में क्रोमोसोम कितने हैं, क्रोमोसोम नंबर 46, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ये जो स्पर्मेटोगोनिया है जो डिवीजन होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, उसके बाद उसका फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, उसके बाद वो कन्वर्ट हो गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है उसका सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ एंड फॉर्म स्पर्मेटेट्स.
या फिर स्पर्मेटिड्स बन गए। उसके बाद डिफरेंशिएशन प्रोसेस, जैसे कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस एंड फॉर्म स्पर्मेटोजुआ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में जब स्पर्मेटोगोनिया स्टेज में होते हैं तब डिप्लोइड क्रोमोसोम होते हैं लाइक 46, एंड जैसे ही मियोटिक डिवीजन में से पास होंगे मियोटिक 1, मियोटिक 2 एंड स्पर्मेटोजुआ, तो उसके पास क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे लाइक 23। तो ये चार्ट जो है वो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।